Hello and welcome students. Today we will be starting with a new chapter, coordinate geometry. In this video you will be learning some basic concepts of coordinate geometry, how to find a distance between two points and applying that distance formula into different situations. So shall we start the chapter? Coordinate geometry is that branch of mathematics which deals with positioning of points and geometrical figures and presenting that positions using numbers, which are called as coordinates. But before moving on to what is coordinate geometry and distance formula, let us understand the word coordinate with a very practical example, right? In geography, you must have learned about writing geographical locations, right? In terms of latitudes and longitudes. What are these? Latitude and longitudes are imaginary lines made on the earth to trace or track locations of geographical lands. Okay, latitude सिंपली इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाना है उसके लिए क्रिएट किए हैं, और लॉन्जिट्यूड बीच के वर्टिकल प्राइम मेरिडियन से लेफ्ट को जाना है या राइट को जाना है ये बताने के लिए डिफाइन किए हैं। तो अगर इन दोनों को, ये दोनों जो लाइंस है इमेजिनरी अर्थ के ऊपर, इन दोनों को अगर हम ओवरलैप कर दें एक दूसरे के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर आपको एक इमेजिनरी ग्रिड दिखाई दे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इस ग्रिड की हेल्प से मैं किसी भी ज्योग्राफिकल लैंड की लोकेशन को ट्रैक कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये न्यू ऑरलैंस जो जगह है, लोकेशन है, इसका कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई विल सी कि ये जो न्यू ऑरलैंस है वो इक्वेटर के कितने डिग्री ऊपर आता है और प्राइम मेरिडियन के कितने डिग्री लेफ्ट पे आता है, ठीक है। तो दिस पॉइंट न्यू ऑरलैंस इक्वेटर से कितने डिग्री ऊपर है, 10, 20, 30, ठीक है। इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर जाओगे तब आपको न्यू ऑरलैंस वाला लाइन मिलेगा, और प्राइम मेरिडियन से पूरा घूम के 90 डिग्री जब आप ट्रैवल करोगे तब आप इस लाइन पे पहुंच जाओगे। तो टू रीच न्यू ऑरलैंस व्हाट आई हैव टू डू, आइदर आई फर्स्ट ट्रैवल अलोंग वेस्ट बाय 90 डिग्रीज एंड देन आई ट्रैवल नॉर्थ अलोंग दिस लाइन टिल 30 डिग्रीज, तो मैं वहां पे पहुंच सकता हूं, और यहां से 30 डिग्री नॉर्थ ट्रैवल करूं और इस पॉइंट से उसके बाद वेस्ट में 90 डिग्रीज ट्रैवल करूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो किसी भी लोकेशन को अगर ट्रैक करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स किसी को कन्वे करने हैं, तो इट इज सिंपली व्हाट एंड विच डायरेक्शन यू विल ट्रैवलिंग, ये इंफॉर्मेशन उसको दे दो, वो अपने आप उस जगह के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इन मैथमेटिक्स हम एक बहुत ही सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हैं इसके लिए, दैट टू लोकेट एनी पॉइंट इन अ 2D प्लेन, फॉर एग्जाम्पल पेज ऑफ योर नोटबुक विच हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, 2 डायमेंशन, That is why 2D plane. तो हम वहां पर भी एक ऐसी सिमिलर ग्रिड बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये पेज है और हमने इस पे ऊपर ग्रिड बना दिया, वहां पे ग्रिड पे दो मेजर लाइन हुआ करती थी, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। सेम वेज इस पेज के ऊपर भी हम दो एक्सेस बना देते हैं, ठीक है। और अगर आपको लोअर स्टैंडर्ड्स का थोड़ा बहुत याद है तो स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपली अ ग्राफ पेपर, है ना, जहां पे आप ग्राफ ड्रॉ करते टाइम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे, वही चीज फॉलो होने, राइट। तो ग्राफ पेपर वुड बी सीन लाइक दिस, कि जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स है, अपवर्ड्स वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स है एंड डाउनवर्ड्स वाई एक्सिस पे नेगेटिव नंबर्स। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इस पूरे 2D प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ट्रैक करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त इस जगह पर हूँ, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है मेरा, ये दोनों मेजर एक्सिस का इंटरसेक्शन मीटिंग पॉइंट है, जिसे मैंने नाम दे दिया है ओरिजिन, ठीक है। और उसकी लोकेशन है 0.0, यानी कि इस पूरे प्लेन के ऊपर आपको कोई भी पॉइंट का लोकेशन अगर ट्रैक करना है तो वो इस ओरिजिन के रेफरेंस पे ट्रैक होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे और मुझे इसको ट्रैक करना है, तो व्हाट आई विल फर्स्ट से कि भैया देखो, अपन ओरिजिन पे है, ओरिजिन से मैं कितना राइट साइड जाऊंगा, यहां तक पहुंचूंगा, और फिर यहां से अपवर्ड्स जाऊंगा, ठीक है। और एल्स आई कुड हैव दिस पाथ, कि मैं यहां से पहले वर्टिकल गया इतना और फिर यहां से हॉरिजॉन्टल आया, तो भी इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। बट यहां पे हमें सिर्फ नंबर्स और साइन की हेल्प से इसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना, सो द पाथ नीड्स टू बी फिक्स्ड, ठीक है। जैसे अर्थ वाले ग्रिड के अंदर हम लोग दोनों तरह से देख सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वो चीजें डिफाइन करना बहुत ईजी है। बट यहाँ पे वी आर जस्ट यूजिंग नंबर्स
और वो चीज मुश्किल हो जाती है। तो पाथ हमारा फिक्स रहेगा, फर्स्ट वी विल ट्रैवल ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल, ठीक है, फिक्स है ये चीज। किसी भी पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करना है और उसके बाद वर्टिकल ट्रैवल करना, ठीक है। तो यहां पे हॉरिजॉन्टली हमने कितना ट्रैवल किया काउंट कर सकते हो, 0 से लेके नंबर 5 तक, यानी कि 5 यूनिट्स, और टूवर्ड्स राइट ट्रैवल किया इसीलिए +5। ओके, अब इस +5 से मैंने वर्टिकली कितना ट्रैवल किया, नंबर्स चेक कर सकते हो, 5 तक, तो ये भी हो जाएगा 5 यूनिट्स, और क्योंकि अपवर्ड ट्रैवल किया है +5 होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैन बी 5,5, ठीक है। एक बार ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन से जो आप लेफ्ट को या राइट को हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हो, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, ठीक है, नाम याद रखना, कहीं पे भी किसी भी तरह से इसका यूज हो सकता है। और दूसरा, ये जो आप उस हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने के बाद जो वर्टिकल ट्रैवल करते हो अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, ठीक है, इसके भी 3 नाम है, ये तीनों के तीनों याद रखना, कहीं पे भी काम में आ सकते हैं। तो इस पॉइंट को अगर मुझे बोलना है कि कहाँ पे है, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो आई कैन राइट इट एज 5,5, ठीक है। पहला नंबर ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखा रहा है और दूसरा नंबर वर्टिकल डिस्टेंस दिखा रहा है, और दोनों की साइंस हमें डायरेक्शन भी दिखा रही है कि अगर प्लस है तो राइट को ट्रैवल करो और दूसरे वाले में अगर प्लस है तो अपवर्ड्स ट्रैवल करो, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पाथ कैसा है अपना, फिक्स है, पहले हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेंगे और उसके बाद वर्टिकल ट्रैवल करेंगे। तो राइट नाउ आई एम एट दिस पॉइंट ओरिजिन, यहां से हॉरिजॉन्टली मैंने ट्रैवल किया तो मैं यहां तक पहुंचूंगा, और यहां से वर्टिकली ट्रैवल किया तो मैं यहां तक पहुंचूंगा। कितना ट्रैवल किया मैंने हॉरिजॉन्टल, 4 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, बट इन दी लेफ्ट साइड, तो वो लेफ्ट वाला डायरेक्शन दिखाने के लिए आई हैव टू पुट अ माइनस साइन विथ 4, और फिर मैंने अपवर्ड्स ट्रैवल किया 3 यूनिट्स, अपवर्ड्स का तो साइन वैसे भी पॉजिटिव होता है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट 3, तो क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट इसके, -4,3, ठीक है, एज सिंपल एज दिस। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग ने देखा कि इस ऐसे किसी भी प्लेन के ऊपर अगर आपको कोई पॉइंट है उसको लोकेशन वाइज ट्रैक करना है तो यू कैन यूज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स टू लोकेट इट। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा प्लेन है ना आपका, जिसको आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इन 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड करके रखा है, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, नाम है इस चीज का कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास 4 रीजन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, और इनकी अपनी अपनी साइन कन्वेंशन, जैसे कि इस रीजन में अगर कोई भी पॉइंट है तो उसके लिए मुझे पहले राइट और फिर अप ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके दोनों ही साइन कन्वेंशन प्लस प्लस होते हैं। तो इस रीजन का कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट विल हैव बोथ द कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। सेम वेज यहां पे लेफ्ट और अप है, तो लेफ्ट का ये नेगेटिव साइन और अप का ये पॉजिटिव साइन, सेम वेज यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। ये अगर आपको ये पहले से याद है तो किसी भी पॉइंट को देखकर यू कैन इमेजिन कि ये ग्रिड पे वो पॉइंट कहाँ पे होगा। दिस इज जस्ट फॉर योर ईज कि ये पॉइंट कहाँ पर है, आप उसे इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन, एक एग्जांपल देखते हैं कि ये चीज किस तरह से काम में आएगी। पॉइंट्स ए -3,6, बी -3,2 एंड सी 6,2 आर वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स डी, ठीक है। तो पहले अपने पूरे पेज को अपन ने एक्स और वाई एक्सिस यानी कि कार्टेशियन प्लेन बना दिया, इसके अंदर वी हैव टू प्लॉट 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी हुज कोऑर्डिनेट्स आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है। फर्स्ट नंबर विल टेल यू हाउ टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टली एंड सेकेंड नंबर विल टेल यू हाउ टू ट्रैवल वर्टिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट दिखा देता हूँ, बाकी 2 पॉइंट आपको खुद से समझना है। फर्स्ट ए पॉइंट अगर मुझे लोकेट करना है तो आई हैव टू ट्रैवल -3 एंड देन 6, तो मैं पहले यहाँ पर रहूंगा ओरिजिन पे, -3 उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, मतलब आई हैव टू ट्रैवल लेफ्ट क्योंकि माइनस का साइन है, एंड 3 इज टेलिंग मी टू गो 3 यूनिट्स आगे, सो लेफ्ट साइड आई हैव टू गो 3 यूनिट, सो आई रीच एट दिस पोजिशन, राइट। अब यहां से आई हैव टू ट्रैवल वर्टिकल और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, +6, प्लस इज इंडिकेटिंग दैट आई हैव टू गो अप एंड 6 इज इंडिकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स, तो ये वर्टिकली अप बाय 6 यूनिट्स, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट मेरा यहां पर आ जाएगा।
ठीक है, वैसे ही बाकी के दो पॉइंट्स भी आपको प्लॉट करने हैं जो इस तरह से आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी एंड सी विद इट्स कोऑर्डिनेट्स। अब वी हैव टू फाइंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ द रेक्टेंगल विच इज फॉर्मिंग बाई दीज थ्री पॉइंट। तो अगर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो पहले उसे बना देते हैं, तो ए बी को कनेक्ट किया, फिर बी सी को कनेक्ट किया। अब सी से एक साइड ऊपर जानी चाहिए ए बी से पैरेलल एंड इक्वल, राइट, यानी कि यहाँ से एक रे जाया। और सेम वे ए से बी सी के पैरेलल एक साइड जानी चाहिए लाइक दिस। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट शुड बी द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ आर रेक्टेंगल, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये फोर्थ पॉइंट जो डी है उसका वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो कैसे ढूंढते थे कोऑर्डिनेट? बहुत सिंपल, जो पॉइंट है उसके लिए मुझे हॉरिजॉन्टल कितना ट्रैवल करना है और वर्टिकल कितना ट्रैवल करना है। तो इफ आई एम एट ओरिजिन, तो रेड पॉइंट तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टली मुझे यहां तक ट्रैवल करना पड़ेगा और फिर वर्टिकली मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट? ये कितना है हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट 6, विच इज 6 यूनिट्स राइट साइड, सो प्लस 6। यहां से वर्टिकली आई हैव टू ट्रैवल हाउ मच? ये 0 से लेके फिर से 6 तक, तो 6 यूनिट्स अपवर्ड्स है, सो प्लस 6। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? प्लस 6 प्लस 6। तो डी पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स 6, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने कुछ ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व किया है तो ये चीज देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये जो दो पॉइंट है ना, सी और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करो। दोनों के अंदर ये जो ऑर्डिनेट है ना अपना वाई कोऑर्डिनेट, ये सेम है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। एंड कोइंसिडेंटली देखो, इधर -3 जो अलग कोऑर्डिनेट्स है अपने एक्स के, -3 और 6, इनके बीच का डिफरेंस ही इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी है ना? ध्यान से ऑब्जर्व करो, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसे यहाँ पे बी सी लाइन, तो उसका डिस्टेंस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स, है ना? -3 और 6 का जब सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको -9 या +9 मिलता है, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो -9 का माइनस इज नॉट रिलेवेंट, सो 9 बेसिकली, राइट? तो कभी भी अगर आपको हॉरिजॉन्टल सेगमेंट का डिस्टेंस ढूंढना है ना, तो बहुत ही ईजी चीज है, उसके जो एंड पॉइंट्स है ना उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आंसर तुम्हारा डिस्टेंस का वैल्यू होगा, है ना? जैसे कि ये डिस्टेंस मेरा कितना मिला मुझे, 9 मिल गया बाय सब्ट्रैक्टिंग -3 एंड 6। सेम वेज जब मैं वर्टिकल लाइन को देखता हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये -3 -3 सेम आ रहा है ना, यानी कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट जो सेम नहीं है उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ यानी 6 और 2 को, तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 4। एंड सी ये जो वर्टिकल इसका डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, 4, ठीक है। इससे टोटल हमें 4 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व होते हैं, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सिसा। एब्सिसा इज जस्ट अनदर नेम फॉर एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे कि यहाँ हमने बी सी का लेंथ 9 कैसे ढूंढा था, एक्स वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके, -3 और 6 को सब्ट्रैक्ट करके। सेम वेज जब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन पूछा है तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स इज जस्ट अनदर नेम फॉर वाई कोऑर्डिनेट। जैसे कि हमने यहाँ पे ए बी लाइन के लिए देखा था, ठीक है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट्स वर 6 एंड 2 जिसका डिफरेंस ही उसकी लेंथ थी, राइट? और दो ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखे थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट्स यानी कि ऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है। हो रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन इज बी सी, क्या वहां पे वाई कोऑर्डिनेट सेम है बी और सी का? यस। सेम वेज वर्टिकल लाइन के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, तो ऑल द पॉइंट्स ऑन वर्टिकल लाइन है सेम एब्सिसा, ठीक है। ये चारों पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इसी को समझ के, इसी को ऑब्जर्व करके हम डिस्टेंस फॉर्मूला को भी डिराइव करने वाले, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू डेवलप अ फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो लेट अस से कि ये हमारे दो पॉइंट्स हैं, ज्वाइन कर देते हैं उनको। तो एक का कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम किया x2 y2 है सेकेंड पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट x1 y1, एंड वी हैव टू फाइंड दिस डी डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कोऑर्डिनेट्स है तो अपनी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस भी होनी चाहिए, तो ठीक है बना डाली। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम x1 y1 टूवर्ड्स x2 y2, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है टूवर्ड्स x2 y2, तो वो ऐसा कुछ दिखेगा। अब
कंस्ट्रक्ट अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम एक्स टू वाई टू टूवर्ड्स एक्स वन वाई वन, यानी कि नीचे इस तरह से। तो ये अगर हमने पॉइंट्स को रिमेंबर किया है सच में, तो पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये दो डॉटेड लाइन का मीटिंग पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स इज एक्स टू कॉमा वाई वन। कैसे? बहुत सिंपल है, पॉइंट्स याद करो। एनी हॉरिजॉन्टल लाइन विल हैव सेम ऑर्डिनेट, राइट? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, तो इस पॉइंट का जो भी ऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए, यानी कि y1 होना चाहिए, ऑर्डिनेट है। सेम वेज वर्टिकल लाइन के ऊपर वी ऑलवेज हैव सेम एब्सिसा, यानी कि इस पॉइंट का जो एब्सिसा है x2, इस पॉइंट का भी एब्सिसा वही होना चाहिए x2। तो वर्टिकल लाइन की जो प्रॉपर्टी है उससे हमने इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया, और हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रॉपर्टी से उसका y कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x2 कॉमा y1। यहां तक समझ में आ रहा है? Now, using the two remaining properties, that distance of a horizontal line or distance of two points on a horizontal line is simply equal to difference of their abscissa. ठीक है, तो ये अपनी horizontal line ही थी, यहां से start करके यहां तक, तो इसका जो distance है, ये वाला distance, वो कितना होना चाहिए? x2 minus x1, है ना? इनके दोनों abscissa के बीच का difference. Same ways, vertical line है, तो वर्टिकल लाइन का क्या प्रॉपर्टी था? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर ऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट्स क्या क्या है? एक का वाई टू है तो दूसरे का वाई वन है, और इनका डिफरेंस यानी वाई टू माइनस वाई वन, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वो प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आई है तो थोड़ा रिवाइंड करो वीडियो को, वो प्रॉपर्टीज पूरी तरह से समझो, और फिर यहाँ से वापस आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चीज है, अपने पास एक ट्राइंगल है, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स मुझे पता है, तो कैन आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू इट? ऑफ कोर्स, यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? d, एंड टू साइड्स आर x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, तो बाय पाइथागोरस वी कैन राइट d स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स आई कैन फाइंड द डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. That is the distance form. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, हमने सिर्फ जो प्रीवियस जो चार पॉइंट मैंने रिमेंबर करने के लिए बोले थे उसी का यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला को ड्राइव कर दिया, एंड ऑफकोर्स द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो लेट अस सी सम वर्क एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई तो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, और वो पॉइंट की खास बात क्या है कि वो 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है 6 कॉमा माइनस 3 से। ओके, तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी 6 कॉमा 0, व्हाई हैव टेकन 0 इंस्टेड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, है ना? वाई होना चाहिए था ना वहां पे, 0 क्यों ले लिया? सिंपल आंसर, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए डू आई हैव टू ट्रैवल वर्टिकली? एक्स एक्सिस पे है ना, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने पे ही पहुंच जाऊंगा वहां पे, तो वर्टिकल तो ट्रैवल ही नहीं करना है, यानी कि इसके वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू जीरो हो जाता है। सेम वेज यू कैन ऑब्जर्व दिस फॉर वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पहुंचना है तो आई जस्ट हैव टू ट्रैवल वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल वहां पे हो ही नहीं रहा है, तो वहां पे एक्स की जगह पे जीरो लिख सकते हो। चलिए, समझ में आ रहा है ये चीज? तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी ए एक्स कॉमा जीरो, एंड पॉइंट बी लेट अस से इज 6 कॉमा माइनस 3। बोला क्या है हमको? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 5, है ना? उन्होंने क्या बोला था कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 6 कॉमा माइनस 3 से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। दोनों को हमने नाम दिया है ए और बी, यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स है। सिंपली बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कैन वी हैव डिस्टेंस ऑफ ए बी एज रूट ऑफ माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर एंड 6 माइनस x का। ठीक है, x2 x1 आप किसी को भी ले सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो सपोज x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस x द होल स्क्वायर, ये रहा, एंड y2 माइनस y1 यानी माइनस 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर है, और यहां पे आप पहले x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर लो या y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है।
ठीक है, तो इजी थिंग, -3 -0 इज -3, और उसका स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और ये वाला जो ब्रैकेट है उसको हम a माइनस बी द होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर सकते हैं, तो व्हाट डू वी गेट, 9 प्लस 36 माइनस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज 9 प्लस 36, ऑफकोर्स इट इज 45, एंड टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ द साइड्स हम रूट भी हटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, फाइव का स्क्वायर हो जाएगा 25, और राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन से रूट निकल जाएगा, तो इट विल बी 45 माइनस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसे रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, 20 के ऐसे फैक्टर्स की 12 आ जाए, 10 इंटू 2, तो फैक्टराइजेशन इज एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2, देयरफॉर वी कैन हैव, अब स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, एक्स माइनस 10 और एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, यानी कि दोनों में से कोई एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 रही होगी, एग्जाम्पल मैं एक्स का वैल्यू 10 डाल रहा हूँ, तो 10 माइनस 10 फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो 10 मैं डाल सकता हूँ, लेकिन x का वैल्यू 2 डालूंगा तभी सेकेंड ब्रैकेट विल बिकम 0, एंड अगेन 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज पॉसिबल है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज आइदर x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि वी कैन हैव टू पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, आइदर 10,0 और 2,0, which are at distance of 5 units from 6, minus 3, है ना, क्योंकि x क्या था, x हमारा वो पॉइंट था जो हमने अज्यूम किया था, x इक्वल टू दो वैल्यू मिले, तो एक वैल्यू जब यहाँ पे डाला तो वी गॉट वन पॉइंट एज 10,0, और जब x का वैल्यू 2 हमने यहाँ पे डाल दिया तो वी गॉट 2,0, ठीक है, तो दो पॉइंट्स इससे पॉसिबल है जो 6, minus 3 से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर, ठीक है, लेट अस मूव ऑन, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, देखो स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस किया था कि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आ जाए तो उसके लिए वी डोंट हैव टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टली, तो उसके एक्स की जगह पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, कीपिंग इन दिस माइंड हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:2, ठीक है, तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है वो 0, y है, ओके, और उसको नाम दे दिया है हमने पी, तो भैया पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी यानी पी ए एंड पी बी आर इन द रेशियो 1:2, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से इंटरप्रेट करो स्टूडेंट्स, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस यानी कि पी हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:2, तो जो पी पॉइंट है ना तुम्हारा उसका डिस्टेंस ए के साथ और उसका डिस्टेंस बी के साथ, ये जो डिस्टेंसिस का रेशियो है वो 1:2 है, विच इज लाइक दिस, डिस्टेंस पी ए अपॉन डिस्टेंस पी बी इज इक्वल्स टू 1/2, ये कंडीशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया तो क्या मिलेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर एंड देन वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे वी हैव अ होल स्क्वायर, तो जब आप दोनों बाजू इसको सॉल्व करोगे व्हाट डू वी गेट, टू टाइम्स रूट ऑफ 36 प्लस वाई स्क्वायर, कहां से आ रहा है ये चीज, 0 माइनस 6 इज माइनस 6 और उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 36, y माइनस 7 द होल स्क्वायर इज a माइनस बी द होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वेज यहाँ पे भी एक्सप्रेशन मिलेगा, एंड देन वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड इट, तो ये 2 ऊपर चला गया और ये पूरा का पूरा यहाँ से ऊपर आ गया 1 के पास, ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को भी तो हटाना है, तो स्क्वायर करके आपको क्या मिल जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, वो पूरा का पूरा रूट निकल जाएगा एंड यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दूसरी बाजू 1 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज ऑफकोर्स 1, और स्क्वायर रूट निकल के एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफाइंग द ब्रैकेट्स एंड रीअरेंजिंग द टर्म्स फाइनल एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 3y² माइनस 62y प्लस 315 इक्वल्स टू 0, सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 4y² यहाँ पे मिलता आपको, ये y² इधर आ जाता तो माइनस हो जाता एंड यू विल बी हैविंग 3y², उसी तरह से आपको सारी टर्म्स को इस तरफ लेके आना है तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ऑलराइट, तो यह फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के अंदर, फैक्टराइज करो तो क्या आएगा 315 इंटू 3 ये हो जाएगा 945 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि आंसर 62 आ जाए, ठीक है, विच इज 35 एंड 27, यहाँ पे फर्स्ट दो को ग्रुप किया सेकेंड दो को ग्रुप किया और जो कॉमन चीज है उसको बाहर निकाल लिया, तो एट द एंड यू विल गेट वाई माइनस 9 इंटू 3y माइनस 35 इक्वल्स टू 0, अगर आपको जानना है कि किस तरह से एक्जैक्टली फैक्टराइज होता है तो इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है विच इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इन चैप्टर फैक्टराइजेशन, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, यू कैन गो एंड चेक दैट, तो
यहाँ पे फिर से हमें दो ब्रैकेट मिल गए जिनका मल्टीप्लीकेशन जीरो आता है. तो नाउ वी कैन हैव टू वैल्यूज ऑफ वाई. फर्स्ट वी कैन हैव 9, जिसको मैं अगर यहाँ पे रखूंगा तो जीरो हो जाएगा एंड जीरो इंटू दिस ब्रैकेट विल ऑल्सो भी जीरो. दूसरा यहाँ पे आई कैन पुट 35/3, है ना, 35/3, तो वो 3 3 कट होके सिर्फ 35 बचेगा और ये -35 होके उसको जीरो बना देगा. तो y का वैल्यू 2 आता है, 9 और 35/3. और अपना पॉइंट क्या था, 0, y जो हमें ढूंढना था. तो y का वैल्यू जब मैंने वहां पे 9 डाला तो आई गॉट 1 पॉइंट एज 0, 9 एंड सेकेंड पॉइंट जब मैंने 35/3 डाला तो मिला 0, 35/3. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. क्वेश्चन इज यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर. ठीक है, तो पहले तो हम बोल देते हैं कि सारे के सारे डिस्टेंसेज जो पॉसिबल है वो कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं. क्योंकि इसका कैसा सीन होने वाला है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी सी कोलिनियर है तो उसमें सी बीच में आ सकता है ए और बी के, बट देर आर अनदर टू केसेस पॉसिबल जहां पे बी बीच में आ सकता है ए और सी के या फिर ए बीच में आ सकता है बी और सी के. अब ये तीनों में से एग्जैक्टली कौन सा ट्रू है ये हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से ढूंढना है. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल चीज है. डिस्टेंस फॉर्मूला से लेट अस फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. ए के भी कोऑर्डिनेट पता है और बी के भी कोऑर्डिनेट पता है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द कोऑर्डिनेट्स इनटू द फॉर्मूला यू कैन गेट द डिस्टेंस एज √50 और 5√2. डिस्टेंस ऑफ बी सी अगेन जस्ट सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्मूला यू कैन गेट √8 और 2√2. एंड थर्ड ए सी का डिस्टेंस यू कैन गेट एट √18 और 3√2. सारे डिस्टेंसेस को जब मैं इन लाइन्स के ऊपर रख रहा हूँ तो मुझे कैसे केस दिख रहा है, ये 5√2 है और ये 3√2, मतलब टोटल इस केस के हिसाब से बी से लेके सी तक का डिस्टेंस शुड बी 8√2, बट बी सी का डिस्टेंस कितना है 2√2, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है. इधर है 2√2 और इधर है 5√2, तो टोटल सी से लेके ए तक का डिस्टेंस शुड बी 7√2, मगर ए सी का डिस्टेंस तो 3√2 है, मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं है. बच गया एक ही केस, देखो चेक कर ले तो 3√2 2√2, यानी कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस शुड बी 5√2. यस, ए बी का डिस्टेंस इज 5√2, यानी कि ये करेक्ट केस है. तो वी कैन शो 3 पॉइंट्स कोलिनियर विद दिस डिस्टेंस प्रॉपर्टी, कि ए सी प्लस बी सी करोगे तो तुमको ए बी का डिस्टेंस मिलना चाहिए. जिस केस में भी वो ट्रू होगा वही अपना फाइनल आंसर हो सकता है. सो हियर ए बी एंड सी आर डेफिनेटली कोलिनियर, बट सी बीइंग द मिडिल पॉइंट ऑफ ए एंड बी. ठीक है, लास्ट एग्जांपल फॉर द वीडियो एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्या पूछा है, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वेर ए बी एंड सी हैविंग द कोऑर्डिनेट्स एज शोन. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जान लो कि सर्कम सेंटर बेसिकली क्या होता है. तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है तुमको ए बी सी जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, उन वर्टाइसिस से पास होता हुआ एक सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल, और उस सर्कल का सेंटर इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर. लेट अस से सर्कम सेंटर को हमने अज्यूम किया है पी, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं है सो एक्स और वाई दोनों में से किसी को भी हम जीरो अज्यूम नहीं कर सकते. ठीक है, सो लेट अस से एक्स कॉमा वाई हमने अज्यूम कर लिया, दैट शुड बी लाइक ओवर हियर, है ना, वो जो सर्कल है उसका सेंटर है पी. अब अगर मैं ये तीन लाइंस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँ, दैट इज पी ए पी वी एंड पी सी, तो उसमें कुछ ऑब्जर्व हो रहा है स्टूडेंट्स? यस, दे आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल ऑल थ्री, यानी कि वी कैन हैव पी ए इक्वल्स टू पी वी इक्वल्स टू पी सी. लेट अस कंसिडर फर्स्ट पी ए इक्वल्स टू पी वी, एक एक करके देखते हैं. तो पी और ए, पी पॉइंट यहाँ पर है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ और ए पॉइंट यहाँ पे है 5 और 1 के साथ. तो एक्स टू माइनस एक्स वन करोगे तो यू कैन हैव एक्स माइनस 5 एंड वाई टू माइनस वाई वन एज वाई माइनस 1 और उसके स्क्वायर्स विद डिस्टेंस फॉर्म. तो ये हो जाएगा पी ए का डिस्टेंस, एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर. दूसरी तरफ पी बी का डिस्टेंस इज एक्स माइनस 11 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर. द सेम वे, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है कोऑर्डिनेट्स को और कुछ भी नहीं. टू रिमूव द रूट्स फ्रॉम दिस को स्क्वायर कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं. तो यू कैन हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1. बहुत ही आसान चीज हो गया ये तो. क्यों ऐसा? क्योंकि इधर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कट हो सकता है, ये 2y और ये 2y भी कट हो सकता है, ये प्लस 1 और प्लस 1 भी कट हो सकता है.
ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कट हो सकता है, यानी कि अपने पास क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस 10x प्लस 25 एंड माइनस 22x प्लस 125। ठीक है, इसको एक तरफ लेके आ जाओ तो यू कैन गेट 12x इज इक्वल्स टू 96 विच इज x इज इक्वल्स टू 8। ऑलराइट, तो पहला जो कंसिडरेशन हमने किया पी ए इक्वल्स टू पी बी, उससे हमें पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू मिल जाता है। सेम वेज कैन वी कंसिडर पी बी इज इक्वल्स टू पी सी। यस, तो पी बी इज इक्वल्स टू पी सी के साथ भी जब आप सेम प्रोसीजर करोगे तो आपको पी बी का डिस्टेंस कुछ ऐसा मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू पी सी का डिस्टेंस, जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मूला। यहाँ पे पी बी का डिस्टेंस को जब आप इवेल्यूएट करोगे और स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएंगे और अंदर a माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चीज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट, माइनस 22 एंड माइनस 22x इज कैंसल्ड आउट, प्लस 121 प्लस 121 कैंसल आउट एंड वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट। सो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 16y इक्वल्स टू 80, दैट इज y इज इक्वल्स टू 5, और x का वैल्यू तो हमें पहले ही मिल गया था, यानी कि इस पॉइंट x कॉमा y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 8.5 एंड दैट इज द सर्कम सेंटर जो आपको पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ये चीज़? तो डिस्टेंस फार्मूला को हम इस तरह से किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स क्या था, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है उसे याद रखोगे तो ऑलमोस्ट सारे डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस आपको इजी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।